नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू स्पेशल बिहार वाला। दोस्तों आज हम बात करेंगे NSH कंपनी में दोहा कतर के अंदर सैलरी कितना मिलता है, वर्करों का सैलरी कितना होता है, हेल्पर का सैलरी कितना होता है, कितना ओवर टाइम चलता है, उसमें क्या उसका मैनेजमेंट है वहाँ पे, इसके विषय में चर्चा करेंगे और बात करेंगे। दोस्तों बात करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेफर कर दोस्तों ऑल कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख पाएं। दोस्त आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों NFH कंपनी में सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी उसमें कोई ज़्यादा फेलर नहीं होता है कि जैसे कतर गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से उसमें सैलरी नहीं होता है। ओनली जो हेल्पर का सैलरी होता है, हेल्पर का जो हेल्पर होते हैं जैसे कि मैकेनिकल हेल्पर हो गए, सिविल हेल्पर हो गए, इनका सैलरी 1000 रियाल होता है। 1000 रियाल होता है, 1000 रियाल इनका सैलरी मिलता है, प्लस कंपनी का फूड है, उसके बाद से ओवर टाइम है। उसके बाद दोस्तों इन लोगों के जो बाकी बाकी आदमी को व्यवस्था मिलता है वैसे ही हेल्पर को भी व्यवस्था मिलता है, लेकिन हेल्पर का इतना ही है कि जो सिविल हेल्पर में होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो मैकेनिकल हेल्पर में होते हैं उनको थोड़ा कम काम करना पड़ता है। तो दोस्तों बाकी ट्रेड का जो होता है वो 1100 1200 1300 जैसे वो काम जानते हैं, यानी कि 1300 से समझिए 1200 से नीचे नहीं होता है, 1200 रियाल से नीचे नहीं मिलेगा। तो जैसे वो काम जानते हैं, जैसे उनको काम मालूम है उसके हिसाब से सैलरी मिलता है। कंपनी भी जैसे वो पास होंगे इंटरव्यू में जैसे पास होते हैं तो 1200 रियाल से कम नहीं मिलेगा। 1200 रियाल मिलेगा प्लस कंपनी का खाना रहेगा, उसके बाद से प्लस 4 घंटा कंपलसरी आप सभी को ओवर टाइम तो मिलना ही है, 4 घंटा फिर 3 घंटा तो ओवर टाइम कन्फर्म है कि NFH में नासिर अल हाजरी में दोहा कतर हो या कुवैत हो या सऊदी अरबिया हो, 4 घंटा ओवर टाइम इसमें कंपलसरी मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों आपको जो जुमा का भी ड्यूटी इसमें चलता है, तो इस कंपनी में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा सैलरी भी दे रहा है, सैलरी कोई कम नहीं, ओवर टाइम अच्छा दे रहा है, प्लस आप लोगों को सैलरी टाइम पे 3 से 4 तारीख तक सैलरी मिल जाता है, दोहा कतर के अंदर 4 तारीख के अंदर सैलरी मिल जाता है, तो इससे अच्छा कंपनी क्या हो सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन है, बफरते इसका थोड़ा वीजा लेट हो रहा है। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि NSH में मेरे को 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, वीजा नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा वीजा इसका लेट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे भाई जो हैं फर्जी इंटरव्यू दिए हुए हैं तो उनको वीजा नहीं मिल पाएगा, जो रियल इंटरव्यू दिए हैं जो रियल ऑफिस में गए हैं उनका वीजा कन्फर्म है कि वीजा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों NFH कंपनी में जो ट्रेड वाले, मान लीजिए कारपेंटर हो गए आप, तो कारपेंटर का सैलरी कम से कम 1100 से 1200 रियाल तक रहेगा, 1200 रियाल से कम नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप पाइप फिटर हो गए, पाइप फिटर का भी सैलरी 1200 रहेगा और उसके बाद से कंपनी का खाना रहेगा। मान लीजिए आप सपोज दैट आप मान लीजिए रिगर हो गए, रिगर का भी सैलरी 1200 रहता है और जो चार्जेंट होते हैं उनका सैलरी 1300 से ऊपर रहता है। जो चार्जेंट हो गए, सिविल चार्जेंट हो गए, मैकेनिकल चार्जेंट हो गए, पाइपिंग चार्जेंट हो गए, स्ट्रक्चर चार्जेंट हो गए, इन सभी का सैलरी जो होता है 1300 से ऊपर होता है, 1300 रियाल से ऊपर रहेगा, कंपनी खाना रहेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा जो लेबर का रहता है। वह फरते इन लोगों का जो ट्रेड होता है ट्रेड में चेंजिंग रहेगा, जो लेबर खाएंगे वही खाएंगे, चार्जेंट खाना सेम रहेगा, खाना में डिफरेंस नहीं होता है। तो दोस्तों NFH कंपनी जो है सैलरी जो है अच्छा दे रहा है, कोई खास मैंने समझिए कि जैसे सैलरी कतर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि 1300 रियाल से ऊपर देना है और कंपनी खाना देना है, अगर कंपनी खाना नहीं देता है तो 1300 प्लस 300 यानी कि 1300 प्लस 300 करके देना है। तो वहाँ पे कंपनी खाना दे रहा है प्लस आपको 1200 से 1300 सैलरी ये भी दे रहा है, लेकिन जैसे आपको काम मालूम होगा वैसे सैलरी दे रहा है। तो काम के ऊपर निर्भर है कि आप काम कितना जानते हैं, तो ये भी कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, तो इसमें सैलरी भी अच्छा खासा है। जो समझिए कि जो फोरमैन होते हैं, सिविल फोरमैन हो गए, सर्जेंट हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, तो ये कंपनी में NFH कंपनी में जो स्टाफ होते हैं जैसे इंजीनियर हो गया, सिविल फोरमैन हो गए, जनरल फोरमैन हो गए, इन सभी का सैलरी जो होता है अच्छा खासा सैलरी इन लोगों को मिल जाता है।
और जो लेबर कैटेगरी का आदमी है, जैसे कि स्ट्रक्चर फिटर हो गए, पाइप फिटर हो गए, इन सभी का सैलरी भी अच्छा खासा होता है। जितना मैकेनिकल ट्रेड का आदमी, इन सभी का सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। जो सिविल ग्रेड का आदमी है, उनका सैलरी थोड़ा इस कंपनी में कम होता है। जितना स्टाफ मैकेनिकल हो गए, स्टाफ हो गए, इन लोगों का सैलरी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इस कंपनी संबंधित आप सभी को जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो आप सभी को, तो आप कमेंट कीजिए। इस कंपनी के बारे में आप सभी को A to Z बताऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।